नमस्कार, आप देख रहे हो इस वक्त लाइव तस्वीरें सिरसा के चौधरी दुष्यंत चौटाला के निवास स्थान के सामने वाटर बक्स की। आओ आपको लेकर चलते हैं किसान नेता गुरप्रीत के पास, जानते हैं पूरी कहानी क्या है। वो सूर्य 5 बजे आए हैं, हमारे पड़ोस भाटिया जी हैं, प्रिंसिपल उनका घर कटकटाया, कहते जी ऐसा है हमारी स्थिति कि मुझे टॉयलेट के लिए पानी की जरूरत है, मेरे पास है नहीं, मैं बुजुर्ग हूँ, बड़ी मुश्किल से पैदल जा रहा हूं। मैं अभी बाटा कॉलोनी से आया हूं, सुन लो मेरी बात। 64 नंबर कोठी है वहाँ, मेरे बहुत वेल नोन है, उनका फोन आया, ये इनकी बात सही है, मतलब वहाँ आसपास साथियों के फ्रेश होने के लिए घर में पानी नहीं है। और कल आपके डिपार्टमेंट से फॉर्मेलिटी के लिए फोटो खिंचाने के लिए एक टैंकर गया पानी का, एक टैंकर गया और वो टैंकर का पता क्या करा मोहनलाल जी, इन्होंने टैंकर कॉलोनी में वहाँ खड़ा कर दिया और उनके साथ में एक फोटो खींचने वाला बंदा है और बाल्टियों के साथ पानी लेके जा रहे हैं कॉलोनी वाले। बाड़मेर बीकानेर बना दिया यहाँ पे, सिरसा एक पानी का हब है, बाहर से भी साथी आते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया पानी है और बहुत बढ़िया पानी का ये तो आप सामने देखो भी, ये पानी पीने के लिए मिल रहा है अपने को। नहीं, ये पानी तो नहीं मिल रहा, यही मिल रहा है जी। एक मिनट मेरी बात सुनो, ये जो पानी है ये है एसएस टैंक। हाँ। इसका मतलब होता है इसके अंदर मिट्टी वगैरह आना, कोई कचरा आना यही रुक जाए, उसके बाद हमारे फिल्टर होते हैं पानी, जो सप्लाई होती है ना वो ये नहीं होती, कभी कोई आकर के देख करके ये सोचे भी ये पानी हमारे को डायरेक्ट सप्लाई होता है, ये कभी नहीं होता। उसके बाद ऐसे है, मेरी बात सुनो, ये पता मैं आपकी बात से सहमत हूँ, अभी ये सफाई कर रहे हैं इसकी, अभी यहाँ पे कोई साथी अपने जानकार खड़े थे, कहते परले टैंक की ना सफाई हुई है, तो परले टैंक में हमने जाके देखा है, सिर्फ मिट्टी की जो ये बनी हुई है ना, ये मिट्टी जो पड़ी थी, ढेरियां पड़ी थी, उसमें से सिर्फ ढेरियां निकाली है, ठेकेदारों ने कुछ नहीं करा। मेरे को एक बात का जवाब दो, देखो आप मौके पे ड्यूटी है ना आपकी, आप ड्यूटी पे हो, एक्शन साहब से मेरी बात हुई, उनका क्या नाम है, भानु प्रसाद जी, क्या नाम है उनका, भानु प्रकाश जी, भानु प्रकाश जी ने ये कहा मोहन लाल जी आ रहे, मेरे को एक ही बात का जवाब दे दो भी, ये जो कॉलोनियां हैं भी, शाम तक इन कॉलोनियों में घरों में पानी इस बोर से पूरा होता है कि नहीं होता। अब हम आए थे यहाँ, यहाँ टैंकर लगा हुआ था पानी भरने के लिए, उसको पूछा भी ये पानी कहाँ जा रहा है, उसका टैंकर वाले का जवाब पता क्या था, वो जगसीर का फोन आया, चौधरी रंजीत सिंह की कोठी जा रहा है पानी, चौधरी रंजीत सिंह की कोठी में उनकी गाड़ियां धोने के लिए पानी जरूरी है, ये घरों में कमाल कर रहे हो, ऐसा नहीं है तो मोहनलाल जी मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं पता कर लेता हूँ इस बात का, अगर ऐसा है तो मैं कहूँगा चौधरी कोठी आप कहते हो नहीं गया पानी, मेरे नोटिस में नहीं है, नहीं गया, तो चलो कोई बात नहीं, वो जो टैंकर वाला है जो आपका, जिसको आप ठेका देते हो, आप अभी उसको फोन मिलाओ, पूछो, और उसी बंदे के फोन से एक्शन साहब के नंबर पे, मेरी जई के नंबर पे उसने नंबर दिया, उषा मैडम का वो स्विच ऑफ था, फिर किसी साथी ने, मास्टर जी आपने व्हाट्सएप किसने कराया भाई साहब को नंबर एक्शन का, आपने करा ना मास्टर जी, फिर एक्शन साहब को मैंने फोन कराया, एक्शन साहब ने ये बात कही है कि मैं मोहनलाल जी को भेज रहा हूँ, मोहनलाल जी आपका नाम ही है, तो मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मेरे को झूठ बोलने की क्या जरूरत है, एक बात बताऊं, आप ये बात कह रहे हो, मैं ये नहीं कहता भाई आप झूठ बोल रहे हो, भाई हम कच्चे खिलाड़ी नहीं है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, बुजुर्ग ऐसे चल रहे हैं उसके घर में ना, पड़ोस में शिकायत से रिड़ रिड़ के किसी के घर में गया, आप ये देखो, ये देखो मोहनलाल जी हम कोई कमले बंदे नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं सकता, वो तो पता ही है, ऐसे थोड़ी होता है जी, अगर किसी की दिक्कत है तो कोई आएगा नहीं, दिक्कत नहीं, नहीं, नहीं ये देखो बहुत ज्यादा दिक्कत है ना, ये देखो ये आपके ड्यूटी वाला बंदा है, साथी लड़का यहाँ पे है, ठीक है, चलो मेरे को नहीं, ये देखो ऐसे, आपका नाम क्या, विनोद, ये शहरवासी इकट्ठे हुए हैं, इनको पानी की दिक्कत है, क्या कारण है सर, क्यों नहीं है पानी बकरोस में, पानी पीछे से नहर नहीं आ रही जी, हमारे पास 3 ट्यूबवेल है जो इनको इकट्ठा करके हम दे रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जरिए भी नहीं है, ये 48 घंटे यानी कि 5 मिनट में ट्यूबवेल बंद नहीं हो रहे हैं जी हमारे, इनमें नहर चलती रहती 15 मिनट जब तक भर्त खाली होते नहीं, इस बार तो नहर भी नहीं चली ना कंटिन्यूस, एक आएगा हफ्ता भी नहीं चली नहर से, पानी आता है ये नहर, ये आते हैं बडोपल वाले का, ठीक है, अगर मान लो नहर के अंदर पानी ना आए विनोद जी, हाँ जी, तो क्या शहर को पानी मिल पाएगा, ना जी नहीं मिल पाएगा ना, और मौके पे आप, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपने कोऑपरेट किया, आप कह रहे हो 3 ट्यूबवेल हैं वाटर बक्स के यहाँ पे, हाँ जी, इस हेड ऑफिस में 3 ट्यूबवेल हैं, और 3 ट्यूबवेलों की जो करतूत है वो आपने देख लिया अभी, हाँ जी, इस एक टैंक में 3 ट्यूबवेल चल रहे हैं, और मेरा ख्याल जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, मैं किसान का बेटा हूँ, ठीक है, दिन रात हम ट्यूबवेल चलाते हैं, ये जो 3 ट्यूबवेल है अगर इनसे ये टैंक जो भरा जाएगा, ये एक कॉलोनी को भी पानी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, और अब ये बैंक कॉलोनी और 3-4 कॉलोनियों से बंदे आए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है भी अब अगर आप मौके की सिचुएशन है पानी की, कॉलोनियों को पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी तो तभी मिलेगा, इनके पास कोई प्रावधान है नहीं, ये फिल्टर का जो है, जो जो फिल्टर वाला मोहनलाल जी ने, जई साहब ने अपने को दिखाया, वो खाली पड़ा है, पानी है नहीं है,
टैंकी खाली पड़े हैं, पानी मिलेगा कहाँ से? और दूसरी बात है, जो आपका वो बोर है जहाँ से टैंकर भर के आप मतलब यहाँ से लेके जाते हैं, ठीक है? तो नहीं भेज मारे, मोहनलाल जी आप बताओ, जो टैंकर भर के जा रहे हैं, मोहनलाल जी की बाइट लो, मोहनलाल जी जो टैंकर भर के जा रहे हैं मान लो, ठीक है, वो कॉलोनियों के अंदर टैंकर कौन भेज रहा है? जो कॉलोनियों के अंदर इक्का दुक्का टैंकर जा रहे हैं वो कैसे जा रहे हैं? वो तो हमें भेज रहे हैं जी, आप भेज रहे हो ना, पब्लिक हेल्थ भेज रहे हैं, पब्लिक हेल्थ का खुद का कोई टैंकर है? खुद का नहीं है, हम तो हायर करते हैं टैंकर। हायर करते हो? हाँ जी, कल हाउसिंग बोर्ड में एक टैंकर गया है पूरी कॉलोनी के अंदर और बाल्टियों से पानी भरा उन्होंने, तो फिर ऐसे शहर में पानी कैसे पूरा आएगा? मेरे को इस बात का जवाब, ये रॉ वाटर कम होने की वजह से दिक्कत है जी, अगर ये रॉ वाटर पूरा होता तो फिर तो सप्लाई रूटीन में थी। तो अभी एक्शन साहब से अपनी बात हुई मोहनलाल जी, हाँ जी, तो आप ड्यूटी पे हो, आपने उनको ये जवाब दिया कि मैं साथियों के साथ जाऊंगा और पानी की यहाँ से सप्लाई छोड़ के और पूरी कॉलोनी में पानी जाएगा जहाँ दिक्कत है को वाल की और हम श्री करेंगे, लेकिन पानी है ही नहीं, आप पानी छोड़ोगे कहाँ से? चलो पानी है नहीं, लेकिन ये 3-4 बजे तक जितना इकट्ठा होगा उसके बाद चला करके और फिर जाएंगे। अभी तो आपके दिक्कत है तो हम फिर टैंकर वगैरह मंगवा करके आपके साथ, जिन जिन घरों में दिक्कत है टेम्परेरी तो अपने को कुछ ना कुछ तो रिलीफ तो देना जरूरी है, फिर क्या देखो करें? ऐसे है मोहनलाल, चलो ठीक है, मैं एक बात बता देता हूँ पत्रकार शायाकर बंधुओं के माध्यम से कि शहर के अंदर बिजली मंत्री डिप्टी सीएम उनके होने के बावजूद भी छोटी छोटी चीजों में हमारे साथियों का लोगों का शोषण हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ पानी बेचने का काम किया जा रहा है, पानी बेचने का काम किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। 600-600 रुपए का टैंकर मोल खरीद के, और मैं सच्चाई बताता हूँ शर्म आ रही है कैमरे के सामने, 3-4 कॉलोनियों से फोन आया मेरे पास, कह रहे हैं फ्रेश होने के लिए घर में पानी नहीं है, और ये हालात है मेरे शहर के, और डिप्टी सीएम हमारे शहर का, बिजली मंत्री हमारे शहर का, राज्यपाल हमारे शहर का, बीजेपी दुहाई डाल रही है हमारी सरकार है, सारा सिस्टम इनका ताम झाम फेल है। मैं मोहनलाल जी आप जइयो मौका, वाटर बक्स महकमे को और सरकार को एक बात बता देता हूं कि कल 12 बजे तक अगर प्रॉपर तरीके से आपका सिस्टम जो है आप अपना बहाल कर लो, कॉलोनियों में पानी पहुंचा दो, नहीं तो कल 12 बजे के बाद आपके वाटर बक्स के बाहर गेट को हम ताला लगा देंगे। समझा गई मेरी बात? ये डिग्गियां जो खाली पड़ी हैं इनको भरने का काम आपका है, चाहे कहीं से मर्जी पानी भरो, शहर को पानी पूरा करवाओ, नहीं तो हम पक्का परमानेंट धरने पे बैठेंगे। फिर ये इस चीज की जिम्मेदारी आपकी होगी, आप मौके पे मतलब यहाँ पे ड्यूटी पे तैनात हो, सीधी बात है। आज मौके पे जो हमारे साथी खड़े हैं बैंक कॉलोनी के हैं और दूसरी कॉलोनियों से जो साथी खड़े हैं, इनको अगर शाम को 4 बजे तक पानी पूरा ना हुआ, देखो मैं भी एक समाज का नुमाइंदा हूँ, मेरे को पता है यहाँ पानी की हालात क्या है। ये डिग्गी आपकी पूरी प्रॉपर भर के जिन कॉलोनियों में पानी नहीं है, खास तौर पे बैंक कॉलोनी में 1 हफ्ता से पानी नहीं गया है, ठीक है, तो इस कॉलोनी में पानी पूरा करवाया जाए, तो आज करवा दें। हाँ नहीं तो जो हमने चेतावनी दी है, मैं फिर दोबारा ये बात कह देता हूँ, कल 12 बजे तक का टाइम है, शहर के इस वाटर बक्स के इर्द गिर्द जहाँ भी इसका पानी जाता है आप अपना पानी पूरा करवा लो, नहीं तो आप जो अफसर लोग हो आप इस बात के जिम्मेदार हो गए। हम बैंक कॉलोनी से आए हैं, पीछे 20 दिन से हमारे पास 15 मिनट तक भी पानी सप्लाई नहीं हुआ, जो कि इनके वायदे हैं डिपार्टमेंट के कि हम 4 बजे खोल देते हैं जी, 7 बजे तक पानी रहता है। और हमारे ऐसे हैं कि सीनियर सिटीज़न वहाँ पे हैं, 1-2 हैं जिनके कोई परिवार आगे नहीं है, वो बेचारे अपना वॉकर लेके 10 कदम नहीं जा सकते, वो घिसटते हुए हमारे घर पे आए, कहे जी हमारे फ्रेश नहीं हुआ, हम हो सकते हमें 2 बाल्टी पानी दे दो। और हम टैंकर डेली टैंकर 600 रुपए का टैंकर हम डलवा रहे हैं, जितने भी हमारे मेरे पड़ोस में हैं जो लेना चाहते हैं वो पानी हम उनको देते हैं। कईयों के नीचे टैंकी नहीं है तो वो बेचारे बाल्टियों में अपना, कहीं कहीं से सामने गुरु नानक नगर है वहाँ से बाल्टियों से पानी ला रहे हैं। हमारे साथ में एक सियाग हॉस्पिटल है जिसमें पानी 24 घंटे पानी आ रहा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा कि वहाँ मोटर चलाते ही पानी 24 घंटे आता है और हम 24 घंटे मोटर चलाते हैं और पानी एक बूंद नहीं आता। तो हमारी यही गुजारिश है कि उसके हम आपको सुझाव भी देते हैं कि हिसार रोड से जो पाइप सियाग हॉस्पिटल में जा रही है वो पाइप से हमें जोड़ दिया जाए, तो हमारे सिर्फ 100-100 घर हैं जो उस उनमें कम से कम 1 घंटे में सारा पानी सप्लाई हो जाता है। मेरे पास सुबह बैंक कॉलोनी से कॉलोनी के साथी हमारे हैं जो बॉबी खैरा हैं, इनका फ़ोन आया हमारे पास भी ऐसे ऐसे ये दिक्कत होगी, ये साथी सब पड़ोसी हैं, मास्टर जी हैं, दीवान जी हैं सारे,
तो एक सबसे बड़ी बात मैं ये बताता हूँ, ये साथी कह रहे हैं इसके पहले भी हम जैसे 3-4 बार यहाँ आए हैं ना, तो हमें पता क्या बात कही जाती थी, कोई बात नहीं शाम को 4 बजे पानी आ जाएगा, सुबह 4 बजे पानी आ जाएगा। दीवान जी ने ये बात मेरे को कही कि अगर आप ना आते, अगर इतनी बात यहाँ ब्रीफली आप इस बात तक ना जाते, दीवान जी आप बताओ जो ब्रीकियां अब हमें पता चली है कि इनकी जो कमियां हैं, अगर हम आज यहाँ ना आते तो आपको इस बात का पता चलता? ना, हमें नहीं पता चलता। हमें तो वही जैसे जेई हमें कहते हैं 4 बजे आपका आ जाएगा, हम जेई से लगातार कॉन्टैक्ट करते हैं, डेली आगे 4 बजे वो कहते हैं हमने छोड़ दिया, हमारे पानी वहाँ टेल तक पहुँचता नहीं है। ये कम से कम इन डिपार्टमेंट की है, कोई वॉल्व रस्ते में बंद है या कुछ है वो खुलवाए जाएं, ताकि हम एक कॉलोनी में पानी आ रहा है, बैंक कॉलोनी में नहीं आ रहा, सियाग हॉस्पिटल में पानी आ रहा है हमारे नहीं आ रहा, सामने गुरु नानक नगर में पानी आ रहा है हमारे नहीं आ रहा, और कितना डिस्टेंस है 20 मीटर का डिस्टेंस नहीं है, जिसे हमारा पानी 20 दिन से नहीं आ रहा, और टैंकर हमारे हर एक घर के आगे खड़े हैं जिनके नीचे डिक्की है, और 600-600 रुपया डेली वो अगला लेता है और हमें मतलब बेच के जा रहा है पानी। ये क्यों बेचने का कॉकस है या 100 आदमियों से हमने आपने जिंदा दिली हमें मारना है, तो वो आपकी है, हम तो इतना आम आदमी क्या कहाँ लड़ सकता है। यहाँ आते हैं हमें गोलियां देते हैं, एक्सियन हमें गोलियां देते हैं, 16 तारीख को आ जाएगा, 16 तारीख को आ जाएगा, अब ये नहीं पता हम 15 में खड़े हैं तो पानी का अभी उसका फ्लो ही नहीं आ रहा, तो 16 को क्या करेंगे? ये हमारे एसडीओ साहब साथ में खड़े हैं, वो हमें अश्योरेंस दे रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं, जब पानी नहीं है तो अश्योरेंस कहाँ से दे रहे हैं? मतलब इस तरह से हम लिखित में भी उनको दिया है भानु प्रसाद जी को कि भी हमें कम से कम टेम्परेरी दे दो जीने के लिए, लोगों को बच्चों को नहाने के लिए सुबह स्कूल जाना है, पानी पीना है, पानी पीने के लायक नहीं है, हम जो कैंटर टैंकर मंगवा रहे हैं उनमें पानी हमें ये नहीं पता कि पीने लायक है कि नहीं, पर जिंदा रहने के लिए हमें वो पानी भी पीना पड़ रहा है।